कॉलेज में आज वार्षिक उत्सव बड़ी खुशी की बात है, लेकिन इस प्रोग्राम को करने का तरीका और जो आयोजन कमेटी जो अपनी मनमानी कर रही है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। इसके अंदर एक हमारे माननीय मंत्री जी आ रहे हैं और एक विधायक साहब आ रहे हैं, वो प्रोटोकॉल के तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक विशेष एबीपी संगठन के लोगों को बुलाया जा रहा है, विशेष संगठन को यहाँ पे बुलाया जा रहा है, और हमारी यहाँ की लोकल विधायिका श्रीमान प्रियंका जी चौधरी, अगर उनको दरकिनार करके एक आप विशेष संगठन के लोगों को बुला रहे हो, और हमारे मैडम जो यहाँ के विधायक है जनप्रतिनिधि उन्हें आप नहीं बुला रहे हो, और एक कैन के जो ब्रिगेडियर उन्हें भी बुला रहे हो, मैं बताना चाह रहा हूँ ऐसे लोगों को बुला के क्या फ़ायदा। आप एक संगठन के विशेष यूँ कर रहे हो, किसी संगठन की कॉलेज होगी क्या, या किसी विशेष लोगों की क्या, विशेष एक कमेटी की कॉलेज होगी क्या? आम छात्रों की कॉलेज है, आम जन यहाँ के जनप्रतिनिधि माननीय विधायक प्रियंका जी चौधरी और यहाँ का जो NSY हमारा संगठन है, हमारे संगठन किसी पदाधिकारी नहीं बुलाया गया, दोनों हमारी मांग है दोनों को बुलाया जाए, और जो ब्रिगेडियर बुला रहे हैं मैं बताना चाह रहा हूँ सर, आप सब हमारे यहाँ के लोकल हो, आप सब के बच्चे यहाँ पढ़ते होंगे, यहाँ की बाउंड्री, यहाँ का खेल ग्राउंड और यहाँ का आप जो ग्राउंड देखोगे और बगीचा देखोगे सारी स्थिति खराब है, और कैन आनंद यहाँ की वेदांता सबसे बड़ी कंपनी है, उनके यदि ब्रिगेडियर के यहाँ बुलाया जा रहा है तो कम से कम उनसे उम्मीद होती है। हमारी पिछले 2006 से यहाँ खनन हो रहा है, एक भी पैसा इस कॉलेज के अंदर नहीं दिया गया, इस कॉलेज की हालत इस जर्जर है, तो उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ के कोई छात्र नहीं देखना चाहते। ऐसे व्यक्ति जो बाड़मेर से पैसा लेके जा रहे हैं और इस कॉलेज में हमारी सबसे बड़ी कॉलेज में नहीं दे, ऐसे लोगों को मुख्य नहीं देखना चाहते। हमारी ये मांग है हमारे NSY के पदाधिकारी और हमारी माननीय विधायिका हम सब की लोक लाडली आदरणीय प्रियंका जी चौधरी को इस प्रोग्राम के अंदर बुलाया जाए और प्रोग्राम की नई डेट दी जाए। माननीय हमारे मंत्री जी से भी निवेदन है कि आप भी इसकी जन भावनाओं की कदर करें, यहाँ सब अगर विरोध में तो आप प्रोग्राम की नई कैंसिल किया जाए, नई डेट दी जाए और उनके विधायिका और NSY संगठन दोनों को विश्वास लेकर नए प्रोग्राम किया जाए। कार्यक्रम जो छात्र संघ का है और छात्र संघ डिसाइड करता है किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना। सर मैं आपको अवगत करा दूं, छात्र संगठन का कार्यकाल 1 साल होता है, ये किसी की बहकावे की बात है, क्योंकि पिछले साल चुनाव नहीं हुए तो छात्र संगठन का कार्यकाल पिछले साल पूरा हो चुका है, ये बिल्कुल बहकावे की बात की जा रही है कि छात्र संघ पदाधिकारी अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, अपनी मनमानी से आप कैसे बढ़ा सकते हो। लिंग दो कमेटी का नियम है कि 1 साल के बाद छात्र संघ कमेटी अपने आप भंग हो जाती है, उसके बाद सभी आम छात्रों को विश्वास में लेना चाहिए, नई कमेटी बनानी चाहिए, सबको विश्वास में लेकर। हम चाहते हैं आप केवल मंत्री जी और विधायक साहब को बुलाते, क्यों एबीपी संगठन के लोगों को बुला रहे हो, ऐसे लोगों को बुला रहे हो और विधायिका साहब के हमारे NSY संगठन के आप अनदेखी कर रहे हो, तो माननीय प्रियंका जी ने क्या गुना किया है? जन भावना की लोगों ने उन्हें जिताया, किसी आप किसी अकेले व्यक्ति नहीं जिताया, आम जनता की नेता है वो। Mandava!